चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से, सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी मिलने का मामला, और इस मामले को लेकर प्रज्ञा ठाकुर को धमकी मिलने पर मिर्ची बाबा का बयान आया, जिनके हाथ खून से सने हैं उनको कौन धमकी देगा। मिर्ची बाबा ने प्रज्ञा ठाकुर को मास्टरमाइंड बताया, प्रज्ञा ठाकुर किसी अखाड़े से नहीं जुड़ी, चर्चा में बने रहने के लिए खुद ही पाखंड करवाती हैं, अगर भारत में डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं, पेशी के समय व्हील चेयर पर आ जाती हैं, बाकी समय फुटबॉल खेलती हैं, ये मिर्ची बाबा का बयान। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो धमकी दी गई है उसको लेकर मिर्ची बाबा का ये बयान आया है, प्रज्ञा ठाकुर को लेकर बोले हैं, जिनके हाथ खून से सने हैं उनको कौन धमकी देगा। मिर्ची बाबा ने बयान दिया, अगर भारत में डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं, और आइए अब आपको सुनवाते कि मिर्ची बाबा ने क्या कुछ कहा है। भाई वीडियो बन गई और धमकी वाले को तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, तो मुझे लगता है इनके ही किसी आदमी ने फ़ोन कर दिया होगा। स्वाभाविक करके तो सांसद प्रज्ञा मास्टर मांडे, मैं फिर कह रहा हूँ कि पाखंड बंद करें, इससे संत समाज बदनाम हो रहा है। कौन मारेगा इन्हें? इनके हाथ पहले ही खून से रंगे हुए हैं, इन्हें कौन मारेगा बताइए। मिर्ची बाबा का ये बयान आपने सुना, प्रज्ञा ठाकुर को जो धमकी मिली है उसको लेकर मिर्ची बाबा का ये बयान, प्रज्ञा ठाकुर को धमकी मिलने पर बोले, जिनके हाथ खून से सने हैं उनको कौन धमकी देगा। मिर्ची बाबा ने प्रज्ञा ठाकुर को मास्टरमाइंड बताया है, प्रज्ञा ठाकुर किसी अखाड़े से नहीं जुड़ी, चर्चा में बने रहने के लिए खुद ही पाखंड करवाती हैं, ये कहना है मिर्ची बाबा का। साथ ही बोले हैं, अगर भारत में डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं, ये प्रज्ञा ठाकुर को बोला है मिर्ची बाबा ने। प्रज्ञा ठाकुर किसी अखाड़े से नहीं जुड़ी, चर्चा में बने रहने के लिए खुद ही पाखंड करती हैं, अगर भारत में डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं।